सक्षम है जहाँ गाँव है, सकुशल है जहाँ गाँव है, और बिहार आई गई आई ही ना भाई आई ही ये राजनीति कर रहा है उपाय का है ये राजनीति बिहार या का करा बिहार या कौती राजनीति राजनीति न्याय कर रहा है ये राजनीति कर बंद रहा ये राजनीति कर बंद रहा ये गरीब को है हाँ हाँ ये गलत बात है बिहार कैसे बोले तो एक बार हुई भाजपा सरकार होश में आओ भाजपा सरकार होश में आओ होश में आओ होश में आओ होश में आओ जिला प्रशासन होश में आओ शुक्ला मुर्दाबाद मुर्दाबाद शुक्ला मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आज पीड़ित परिवार दुखी है, जो पीड़ित व्यक्ति है 48 घंटे से पुलिस कस्टडी में है। हमने कई बार एसपी कलेक्टर सबसे बात की कि भाई उसका जो भी बयान होना है, जो भी एनएसए की कार्रवाई के लिए उनका वक्तव्य चाहिए 10 मत कोल का, वो आप ले लीजिए और उनको उनके घर भेज दीजिए। पुराना रिश्ता है, मेरे पिताजी यहाँ से 7 बार विधायक रहे, अभी हम क्षेत्रीय विधायक जो यहाँ के वर्तमान में जो नेतृत्व कर रहे हैं, जो गुंडे मवालियों को संरक्षण देते हैं, वो बात कर रहे थे इतनी हल्की बात, एक विधायक जो 3-3, 4-4 बार जीता हो और इस तरह की हल्की बात करे शोभा नहीं देता है। हम विपक्ष में हैं, हमारी जिम्मेदारी है कहीं अन्याय अत्याचार हो रहा है और कहीं कोई घटना घटी है, न्याय दिलवाने की हमारी जिम्मेदारी बनती है, कहीं निरंकुश सरकार हो जाए, निरंकुश सरकार के लोग हो जाए, तो उनको सजग करने की हमारी जिम्मेदारी है। आज पीड़ित परिवार दुखी है, जो पीड़ित व्यक्ति है 48 घंटे से पुलिस कस्टडी में है। हमने कई बार एसपी कलेक्टर सबसे बात की कि भाई उसका जो भी बयान होना है, जो भी एनएसए की कार्रवाई के लिए उनका वक्तव्य चाहिए 10 मत कोल का, वो आप ले लीजिए और उनको उनके घर भेज दीजिए। उसकी बीबी बच्चे मिलने के लिए बहरी भी गए थे थाने में, वहाँ उनसे मिलने नहीं दिया जाता है, ये कौन सी सरकार चल रही है? पीड़ित व्यक्ति को सुना कि मुख्यमंत्री से मिलवाने के लिए लेके जा रहे हैं, ये कौन सी राजनीति है भाई? राजनीति भाजपा के लोग कर रहे हैं, पहले तो एक गुंडे मवाली को बदमाश को पदाधिकारी बनाते हैं, उसको उपाध्यक्ष बना देते हैं, मंडल का विधायक प्रतिनिधि बना देते हैं, वो यहाँ सरहंगता करता है, आए दिन कट्टा लेके घूमता है, लोगों को डराता धमकाता है, गाली गलौज करता है, कई घटनाएं घटित हुई है और थाने में अपराध पंजीबद्ध है। तो बदमाश के खिलाफ अगर कार्रवाई हो गई होती तो शायद ये स्थिति उत्पन्न नहीं होती। तो दूसरी तरफ जो पीड़ित व्यक्ति है उससे फर्जी एफिडेविट तैयार किया जाता है झूठा कि ऐसी कोई घटना घटी नहीं है, फिर घटना घटी नहीं तो एनएसए कैसे लागू हो गया? जिन लोगों ने फर्जी एफिडेविट डरा धमका के बनवाया था, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई हुई? क्या कार्रवाई हुई? और नहीं हुई तो इसके लिए कौन जिम्मेदार? शुक्ला मुर्दाबाद।